हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसटी ट्यूटोरियल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम सब इतिहास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये चौथा पार्ट होगा। इसके पहले भी जो है तीन पार्ट का वीडियो बन चुका है 25-25 प्रश्नों का, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको आप सभी लोग प्ले स्टोर में जा कर के देख सकते हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी है बुंदेलखंड में, ऑप्शन नंबर डी है रोहेलखंड में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। ठीक है, मत्स्य महाजनपद का विस्तार वर्तमान राजस्थान राज्य के अलवर, भरतपुर, जयपुर जिले के सीमा तक विस्तृत थे। ठीक है, जिसकी राजधानी जो है विराटनगर थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगत है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी है जी बी मेकाले, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन नंबर डी है हेनरी डुंडास। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जी बी मेकाले ने कहा था। ठीक है, जी बी मेकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा था कि कंपनी एक असंगत है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ असंगत है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? ऑप्शन नंबर ए है इल्तुतमिश की, ऑप्शन नंबर बी है बलबन की, ऑप्शन नंबर सी है अलाउद्दीन खिलजी की, ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद तुगलक की। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी का वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का शासन 1296 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और उसी ने दक्कन में लूट खसोट के लिए सेना भेजी थी, जिसे काकतीय शासकों की सेना ने बुरी तरह से जो है परास्त किया था। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। ऑप्शन नंबर ए है 93वें शिलालेख द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है रोमबिन देई स्तंभ लेख द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है ह्वेनसांग के विवरण द्वारा जो लेख लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी है प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 93वें शिलालेख द्वारा। अशोक के 93वें शिलालेख में उसके कलिंग युद्ध का विवरण प्राप्त होता है। इस शिलालेख के अनुसार अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ। इस युद्ध में भीषण नरसंहार को देखते ही अशोक ने जो है बौद्ध धर्म जो है ग्रहण कर लिया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल निकले हैं। ऑप्शन नंबर ए है सराय नाहर राय से, ऑप्शन नंबर बी है दमदमा से, ऑप्शन नंबर सी है महदहा से, ऑप्शन नंबर डी है लंगनाज से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दमदमा से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित मध्य पाषाणिक पुरास्थल दमदमा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है दमदमा। कहाँ पे? प्रतापगढ़ जिले में। दमदमा में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग द्वारा कराए गए उत्खननों सवाधान प्राप्त हुए, जिसमें जो है 35 कब्रों में एकल सवाधान तथा 5 कब्रों में 2-2 व्यक्तियों के अस्थि अवशेष थे, जबकि एक कब्र में एक साथ 3 कंकाल जो है प्राप्त हुए थे। ये दमदमा कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले में है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है गोपाल, ऑप्शन नंबर बी है देवपाल, ऑप्शन नंबर सी है धर्मपाल, ऑप्शन नंबर डी है महिपाल।
तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मसपाल। ठीक है, बिहार के भागलपुर जिले में पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित विक्रमशिला विहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने कराई थी। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये जो है बिहार के भागलपुर ज़िले में है। ठीक है, बिहार विक्रमशिला, और इसका जो है स्थापना जो है धर्मपाल ने कराया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए है वारंगल, ऑप्शन नंबर बी है नागलापुर, ऑप्शन नंबर सी है उदयगिरी, ऑप्शन नंबर डी है चंद्रगिरी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर नागलापुर। ठीक है, विजयनगर में प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में नागलपुर नामक एक नगर की स्थापना की थी। उसे हजारा एवं विट्ठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण भी कराया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? ऑप्शन नंबर ए है चित्रकला, ऑप्शन नंबर बी है स्थापत्य कला, ऑप्शन नंबर सी है मूर्तिकला, ऑप्शन नंबर डी है संगीत कला। तो किस कला को संरक्षण दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चित्रकला का। ठीक है, जहांगीर ने मुख्यतः चित्रकला को संरक्षण प्रदान किया था। उसके समय में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। जहांगीर ने हेरात के आकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की जो है स्थापना भी कराया था। ठीक है, कहाँ पे? आगरा में जो है एक चित्रशाला जो है उसने बनवाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद गोरी को, ऑप्शन नंबर बी है कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन नंबर सी है बलबन को, ऑप्शन नंबर डी है इल्तुतमिश को। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता था। गुलाम का गुलाम संज्ञा इल्तुतमिश को प्रदान की गई है क्योंकि वह स्वयं रहे शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा खरीदा गया दास था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो है ये खरीदा गया दास था, इसलिए उसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा, एक बार दो बार वीडियो को देखिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिएगा, संभावित प्रश्न है सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी है जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी है अकबर, ऑप्शन नंबर डी है शाहजहां। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अकबर। मुगल सम्राट अकबर ने लाल कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी है सियालकोट में, ऑप्शन नंबर डी है हैदराबाद भारत में। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मुगल काल में लखनऊ स्थित कारंगी महल मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र के अध्ययन में विशिष्टता हासिल की थी। ठीक है, वो कहाँ पे था? वो कहाँ पे स्थित था? लखनऊ में था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? ऑप्शन नंबर ए है 1527 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1526 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1525 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1524 ईस्वी में। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 21 अप्रैल। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी को जो है पराजित किया था। ठीक है, इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का सफल जो है प्रयोग भी किया था इसी पानीपत की प्रथम युद्ध में ही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
सर टॉमस मुनरो किन किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे। ऑप्शन नंबर ए है 1820 से लेकर 1827 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर बी है 1819 से लेकर 1826 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर सी है 1822 ईस्वी से लेकर के 1829 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर डी है 1818 से 1825 ईस्वी तक। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1820 ईस्वी से लेकर के 1827 ईस्वी तक सर टॉमस मुनरो को मद्रास का गवर्नर जो है नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंगाल मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए है मोरहना पहाड़ से, ऑप्शन नंबर बी है घघरिया से, ऑप्शन नंबर सी है बगही खोर से, ऑप्शन नंबर डी है लेखहिया से। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लेखहिया से। ठीक है, विंध्य क्षेत्र के मध्य पाषाणिक पुरास्थलों में से लेखहिया में सर्वाधिक 17 मानव कंकाल जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिनमें से अधिकांश के सिर पश्चिम दिशा में है। ठीक है, 17 जो है कंकाल मिले हैं जिनके 17ों के सर जो है पश्चिम दिशा में जो है लिटाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम भारत के डीके कारवे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? ऑप्शन नंबर ए है सती प्रथा के, ऑप्शन नंबर बी है बाल शिशु हत्या के, ऑप्शन नंबर सी है स्त्री शिक्षा के, ऑप्शन नंबर डी है विधवा पुनर्विवाह के। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? इसमें जो है आयोग द्वारा जो है इसमें दो उत्तर सही माना गया था, सी और डी। ठीक है, इस पर कामन अंक सबको मिले थे। तो दोनों पश्चिमी भारत के डीके करवे दो केशव करवे जो है ने पश्चिमी भारत में महिलाओं के कल्याण एवं उनकी स्थिति में सुधार हेतु महत्वपूर्ण कार्य किए थे। उन्होंने 1896 में विधवाओं की शिक्षा के लिए एक स्कूल और एक विधवा आश्रम की स्थापना की थी। उन्होंने 1907 में महिला विद्यालय तथा 1916 में पूना के भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की जो है स्थापना भी की थी। ठीक है, स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के लिए जो है दोनों क्षेत्रों में इन्होंने कार्य किया था, तो इसलिए जो है कामन अंक इस पर सबको मिला था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है शिवाजी के लिए, ऑप्शन नंबर बी है पृथ्वीराज के लिए, ऑप्शन नंबर सी है राणा प्रताप के लिए, ऑप्शन नंबर डी है हेमू के लिए। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रख्यात इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने छत्रपति शिवाजी को भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य कहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को उनके सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है प्रथम कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन नंबर बी है तृतीय कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन नंबर सी है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन नंबर डी है प्रथम मैसूर युद्ध। तो यह युद्ध के बाद जो है कौन कौन सी संधियां हुई, कौन कौन से सम्राट हारे, इसको जो है सूची दो में मिलान करना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध यक्षला चैपल की संधि से संबंधित था। ठीक है, यक्षला चैपल की संधि से संबंधित था, इसमें जो है यक्षला चैपल संधि का जो है अंत हुआ था। ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो पेरिस की संधि से था संबंधित था। ठीक है, पेरिस की संधि से जो है इसका अंत हुआ था। और द्वितीय कर्नाटक जो युद्ध हुआ था वह अनिर्णायक युद्ध था। ठीक है, इसमें निर्णय कुछ भी नहीं हुआ था। और जो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था इसमें जो है ब्रिटिश की हार हुई थी। ठीक है, तो कौन से कूट सही हो रहे हैं इसमें आप लोग मिलाइए, एक का चार,
तो ए का चार सी में दिख रहा है तो सीधे आप लोग जो है मार सकते हैं। अगर इन प्रश्नों में एक दो अगर आपको आ रहा हो तो तुरंत कूट में जो है मिला करके प्रश्न को सही कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का जो है मिलान कीजिए। तो एक तरफ सम्राट हैं और दूसरी तरफ जो है विरुद्ध हैं, उनको जो है आपके कौन से इनके इन सम्राटों के कौन से विरुद्ध थे उनको मिलान करना है। तो अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। ठीक है, तो सही मिलान कौन सा होगा तो आप लोग देखिए, अशोक थे वो प्रियदर्शन। ठीक है, प्रियदर्शन माने जाते थे। उसके बाद जो है समुद्रगुप्त परक्रमांक माने जाते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य का रूप माने जाते थे और स्कंदगुप्त जो हैं वो क्रमादित्य, ठीक है, क्रमादित्य के जो है रूप माने जाते थे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ए का दो। अब देखिए ए में कौन सा दो है, तो ऑप्शन नंबर सी में ए में दो दिख रहा है तो सीधे आप लोग जो है इस पर लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, वीडियो को पॉज करके रोक करके जरूर देखिएगा इसको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था ये पूछ रहा है। प्रश्न को भी देखिएगा, नहीं कहाँ नहीं पूछ रहा है, कहाँ पूछ रहा है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए है निर्याकस, ऑप्शन नंबर बी है आने सी क्रिस्टस, ऑप्शन नंबर सी है डाइमेक्स, ऑप्शन नंबर डी है अरिस्टो ब्यूल्स। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा डाइमेक्स। ठीक है, बिंदुसार के समय में भी भारत का पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ मैत्री संबंध कायम रहा। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के राज्य में भेजा था। ठीक है, जो डाइमेकस था जो बिंदुसार के राज्य में आया था, सिकंदर के राज्य में जो है वो नहीं आया था। और बाकी ए बी और डी जो है ये सिकंदर के साथ जो है भारत आए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। लाइफ ऑफ ह्वेनसांग, द नेचुरल हिस्ट्री, ये बुक है इधर का और इधर के लेखक हैं, तो कौन सा इसमें लेखक मिलान नहीं सही सुमेलित नहीं है उसको देखना है। ऑप्शन नंबर सी है हिस्टोरियल फिलिपिकल, ऑप्शन नंबर डी है द हिस्टरीज। ठीक है, और इधर है हुइली टालेमी पॉम्पेई स्ट्रोगस हेरोडोटस। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें जो है सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, द नेचुरल हिस्ट्री जो है टालेमी द्वारा नहीं बल्कि ये टालेमी का जो है भूगोल है, ये इतिहास की जो है किताब नहीं है ये, और ये भूगोल की किताब है और ये टालेमी की नहीं बल्कि किसकी है, हिस्टोपिनोनी की है। ठीक है, ये जो है किसकी है, हिस्टोपिलोनो की है, लिख दे रहे हैं आप लोग देख लीजिएगा, हिस्ट्री प्लिनो। ठीक है, ये बुक नहीं है, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनो है, जबकि ये भूगोल की एक बुक है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। ऑप्शन नंबर ए है वेदों के, ऑप्शन नंबर बी है पुराणों के, ऑप्शन नंबर सी है उपनिषदों के, ऑप्शन नंबर डी है सूत्रों के, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये सब पुराणों की जो है संकेत हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रसरवा माने जाते हैं। ठीक है, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र जो है उग्रसरवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। अमरकोश में पुराणों के विषय में पांच बात विषय बताए गए हैं, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशानुचरित। ठीक है, ये जो है अमरकोश के पुराणों में ये पांचों बताए गए हैं जो पुराणों के संकेतक हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए है जनपद, ऑप्शन नंबर बी है दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी है मित्र, ऑप्शन नंबर डी है कोश। तो सातवां कौन सा था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग। ठीक है, ऋग वैदिक काल में नहीं, देखिए कौन सा था? सी था, ये गलत है, उत्तर गलत हो गया है, मित्र है। ठीक है, सातवां जो है मित्र था, सातवां जो है मित्र था। राज्य के सप्तांग सिद्धांत में निम्न सात तत्व थे, पहला कौन था? पहला था राजा, ठीक है, सातों देख लीजिए। दूसरा था अमात्य, ठीक है। तीसरा कौन था? तीसरा था जनपद, ठीक है। चौथा कौन था? चौथा था दुर्ग। पांचवा कौन था? पांचवा था कोश, ठीक है। छठवां था बल, सातवां था मित्र, ठीक है। तो सातवां पूछा है, सातवां मित्र था, ठीक है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत जो थे ये सात थे, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, बल और मित्र। तो कौन सा पूछा है? सातवां पूछा है, तो सातवां कौन सा हो जाएगा? मित्र हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ऑप्शन नंबर ए है भूमि को, ऑप्शन नंबर बी है गाय को, ऑप्शन नंबर सी है स्त्रियों को, ऑप्शन नंबर डी है जल को। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाय को, ठीक है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। ऋग्वेद में गाय का अधन्या न मारने योग्य जो है, अधन्या न मारने योग्य जो है कहा गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली का लाल किला, ऑप्शन नंबर बी है आगरा का किला, ऑप्शन नंबर सी है इलाहाबाद का किला, ऑप्शन नंबर डी है लाहौर का किला। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली का लाल किला, ठीक है। अकबर के फतेहपुर सीकरी की बात, शाहजहाँ ने दिल्ली में अपने नाम का जो है शाहजहाँबाद नामक नगर की स्थापना की तथा वहाँ अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का जो है निर्माण कराया था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के पोलिगार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए साधारण जमींदार, ऑप्शन नंबर बी महाजन, ऑप्शन नंबर सी क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक, ऑप्शन नंबर डी नवधनाढ्य व्यापारी। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दक्षिण भारत के पोलिगार जमींदार थे जो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे, जिन्हें नायक द्वारा नियुक्ति किया जाता था। इन पर विजय हैदर अली ने जो है प्राप्त किया था, ठीक है। तो ये रहा आपका 25 प्रश्न। कैसा लगा 25 प्रश्न? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह से आगे भी प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला बनाते रहेंगे जो आपके लिए और सबके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।